यहाँ पर मंच पर उपस्थित राजद के वरिष्ठ नेता और आपके यहाँ के प्रत्याशी सिद्दीकी साहब, दीपांकर जी, न्याज साहब और तमाम जो गठबंधन के अलग अलग घटक दल हैं उसके जो नेता मंच पर हैं और आप सभी लोग जो यहाँ पर इस सभा में उपस्थित हैं जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आप सभी लोगों को देश के महिला आंदोलन की तरफ से सलाम और मेरी पार्टी भाकपा माले की तरफ से सलाम। मैं संक्षिप्त में एक दो बातें कहूँगी, हम लोग और भी लोगों को सुनेंगे। मैं बस इतना कहूँगी कि बिहार के जितने चुनाव मैंने देखे हैं या अन्य राज्यों के भी चुनाव, इस मामले में सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत खास चुनाव लग रहा है, बहुत अलग हट के चुनाव लग रहा है। उसकी वजह एक है, देखिए इस चुनाव में आपके पास एक तरह से बहुत उम्मीद पैदा करने वाले बहुत जुझारू किस्म के नेतृत्व पैदा हुआ है, एक तरह से नया न्यू जनरेशन जिसको कहते हैं युवा नेताओं का। तेजस्वी जी भी हैं, भाकपा माले के भी कई नेता हैं, सीपीआई सीपीएम के भी हैं, युवा छात्र नेता और बहुत उम्मीद दिलाने वाले, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो है बहुत अच्छा भी है ये बात, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये जो बदलाव की हवा चल रही है बिहार में, इस बार बदलाव का ये आंदोलन है, ये सिर्फ चुनाव का माहौल इसमें लग नहीं रहा है, एक लड़ाई वाला एक आंदोलन का माहौल लग रहा है और इस आंदोलन में सचमुच में जो नेतृत्व दिखता है वो बिहार की जनता का है, आप लोगों का है और इसलिए ये चुनाव बहुत खास है। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं आपको कि 25 सूत्री जो संकल्प पत्र महागठबंधन की तरफ से जारी हुआ, उस संकल्प पत्र को लिखने जब हम लोग बैठे, सभी दलों के लोग अपना अपना सुझाव, एक तरह से हमें नहीं लिखना पड़ा, हमें नहीं सोचना पड़ा कि हम कौन सी बात कहें, क्या कहें ना कहें, अच्छा ठीक, बल्कि इसमें लोगों ने ही खुद इसको अपने आंदोलनों से, बिहार के आंदोलनों ने वो 25 सूत्री जो संकल्प पत्र है उसे लिख दिया। हमें सिर्फ संकल्प करना पड़ा कि हम लोग महागठबंधन की तरफ से उन आंदोलनों का आदर करेंगे, उनकी बातों का सम्मान करेंगे। जैसे क्या, टॉप नंबर पे रोजगार का सवाल, उसमें भी जो सरकारी नौकरी है उसमें जो पद खाली पड़े हुए, खाली क्यों पड़े हुए, अगर वो सरकारी पद है उनको भरेंगे तभी तो काम होगा। पदों को भरने के लिए हमारे बिहार के युवा नौजवान छात्र ये लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे, सवाल को उठाते रहे, उनकी बात को बस सुनने की बारी। पहले जो सरकार रही है 15 साल से, वो तो बड़ा गर्व से कहते हैं कि हम तो कभी किसी डेलीगेशन से कभी बात ही नहीं की है, सचमुच में बात ही नहीं की, कभी बुलाया नहीं उन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को सुनने के लिए। तो हमने सबसे पहले उस 25 सूत्री संकल्प पत्र को भी आप पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि हम मानते हैं कि सरकार जो है वो लोगों की शिकायत और सवाल से मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती, तो इसलिए शिकायत और सवाल ले आई, आपके शिकायतों से, आपके आंदोलनों से, आपके संघर्षों से, आपके सवालों से सरकार चलेगा, इसलिए आप रहेंगे नेता और सरकार जो है वो राजा की तरह बैठी रहेगी और प्रजा रहेगी बाकी, ये बिल्कुल नहीं। तो इसमें और भी जो बातें हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सवाल, लड़ते रहे हैं शिक्षक लोग, लड़ते रहे हैं संविदा कर्मी लोग, लड़ते रहे हैं गेस्ट शिक्षक लोग, लेकिन उन पर बस लाठी बरसाने का काम सरकार ने किया। हमको बस इतना कहना पड़ा कि नहीं, उन आंदोलनों में उन संघर्षों में हम रहे हैं और अब जब महागठबंधन बना है उसकी सरकार बनेगी तो बिल्कुल उन बातों को सुन करके उसको लागू करना जरूरी है। उसी तरह से जो महिलाएं हैं बिहार में इतना जरूरी काम करते हैं, आशा का, आंगनवाड़ी का, जीविका दीदियों का, रसोईया महिलाओं का, मेहनत करती है और उनको कोई दर्जा ही नहीं है, उनको मानते ही नहीं है कि भाई ये कोई कर्मी भी है, उनका कोई काम है। सचमुच में उनके आंदोलन की मांग तो ये है, उस आंदोलन में हम लोग भी रहे हैं, मांग तो है कि भाई उनको मिलना चाहिए पूरा सरकारी कर्मी का दर्जा, मिलना चाहिए वेतनमान मिलना चाहिए। वो अगर ना भी हो अभी, उस दिशा में कम से कम एक कदम बढ़ने की जो बात है वो उस संकल्प पत्र में है कि अभी जितना मानदेय वगैरह मिलता है उसका कम से कम दुगुना मिलना चाहिए, सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध होगी,
ये भी मैं मानती हूँ कि ये आंदोलन की जीत है कि इस दिशा में ये माना गया। तो इसी तरह से ये जो लड़ाइयाँ हैं, आप सोचिए कि आंदोलन कैसे लड़े गए। ये आंदोलन हिंदू मुस्लिम में बंट के तो लड़े नहीं, सब लोग एक साथ लड़े, उसमें बिल्कुल कोई सारे लोग सोचे कि भाई हम देश के नागरिक हैं, बिहार में रहते हैं, कैसा बिहार देखना चाहते हैं, कैसा भारत देखना चाहते हैं, इसके लिए लड़े। लेकिन कुछ लोग, जैसा कि सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेडीयू के, जो चला रहे हैं जिस तरह से, वो सोचते हैं कि सब बांट करो राज करो। उदाहरण मैं आपको दूं, एक उदाहरण कि देखिए ये लोग, भाजपा का नारा बार बार आता है एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, एक देश, और उनके मन में जो बात है वो है कि एक देश एक धर्म, एक देश एक सोच, एक देश एक पार्टी। वो चाहते हैं कि ये तानाशाही हिटलर शाही बने, जहां एक देश और एक ही रंग। लेकिन मैं तो मानती हूँ कि हमारा देश जो है वो इतना सुंदर इसलिए है क्योंकि इसमें इतनी विविधता है, इतने रंग है, इतने तरह के सोच है। एक देश है, ढेर सारे रंग, ढेर सारे किस्म के सोच है, ढेर सारे, दुनिया का हर धर्म जो है वो अपना यहाँ पर जगह ले लेगा, हमारे देश में उसका जगह है और बराबरी से जगह है। इसीलिए हम तो मानते हैं हर मामले में खूब सारा विविधता होना चाहिए, लेकिन एक देश एक नागरिकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक देश है और उसमें एक तबके के लोगों को टॉप वाली नंबर वन वाली नागरिकता होगी, उसके बाद एक और तबका होगा जिसकी नंबर टू वाली होगी, उसके बाद नंबर तीन वाली होगी। ये जिस तरह से सीढ़ी बना हुआ है, तो सीढ़ी नुमा देश हमें नहीं चाहिए जिसमें ऊंच नीच हो, जिसमें बराबरी ना हो। तो एक देश एक नागरिकता, इन लोगों ने कानून ला करके उस नागरिकता को बांटने की कोशिश की, और उस बांटने के खिलाफ लोग जिस तरह से बाकी सारे आंदोलन लड़ते हैं, किसान लड़ते हैं, मजदूर लड़ते हैं, छात्र लड़ते हैं, युवा लड़ते हैं, महिलाएं लड़ती हैं, उसी तरह से उस आंदोलन को भी लड़ी, आगे आगे महिलाएं रह करके लड़ी उस आंदोलन को। अब उसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई सर सवाल कैसे किया, सरकार से सवाल करना, शिकायत करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, देश विरोधी कहलाओगे, ये इनका नारा है। इसीलिए हमारे संकल्प पत्र में ये भी है, महागठबंधन के संकल्प पत्र में, कि ये बिहार में बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। ये जो चल रहा है ना, ये इस चीज को रोकना है। बिहार में सबसे पहले इस पर ब्रेक लगेगा और वहां बिहार से बदलाव का जो हवा है वो शुरू होगा, वो बंगाल जाएगा, वो असम जाएगा, पूरे देश में फैलेगा। और ये होगा कि नहीं, सवाल पूछने वाले, शिकायत करने वाले, इनकी जगह जेल में नहीं, इनकी जगह हम लोगों के बीच में है, और सरकार जो करती है लूटने वाली, दमन करने वाली, उनकी जगह जेल में है, उनको अपनी सही जगह पहुंचाना है। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहती हूँ, बस इतना कहूंगी, यहाँ पर हमारी महिलाएं बहनें ढेर सारी हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, ये लोग बेटी बचाओ की बातें करते हैं, आजकल बेटी बचाओ कुछ ऐसा हो गया है कि भाजपा वालों से बेटी बचाओ, राजग वालों से बेटी बचाओ। ये लोग जो है सरकार चलाने वाले, सोचिए कि मुजफ्फरपुर से अभी मैं आ रही हूँ यहाँ पर, अब वो जो कांड हुआ वहां पर, छोटी छोटी बच्चियां सरकारी संरक्षण में, ऐसा नहीं कि भाई कोई गलत काम सामाजिक समाज में हो गया, सरकारी संरक्षण में बाकायदा करवाया गया, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, सरकार को? और वो सरकार बेशर्मी से उसी कांड के आरोपियों को, शेल्टर होम कांड के आरोपियों को वो बना रही है, कैंडिडेट बना करके चुनाव में उतार रही है। उस ऊपर से ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को ला रही है आपके बीच में वोट मांगने। मैं तो कहती हूँ कि महिला होते हुए बिहार की महिलाएं पूछ रही हैं कि भाई ये बगल के यूपी के आप चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पर 19 साल की बच्ची के साथ पहले तो बलात्कार होता है, वो बलात्कारियों का नाम लेती है, दम तोड़ देती है, उसके बाद में उसके माता पिता के हवाले उसका बॉडी करने के बजाय, ताकि वो लोग ठीक से विदा दे सके उसको, अपना दुख प्रकट कर सके, परिवार के सब लोग आ सके ना, बीच रात में ले गए, पेट्रोल छिड़क करके उसके शव को जला डाला। क्यों? क्योंकि सबूत मिटाना है, बचाना है बलात्कारियों, बलात्कारी बचाओ अभियान चला रखा है, और उसके बाद में शर्म नहीं आती है कि यहाँ आकर के वोट मांगते हैं। सोचिए इस बात पर,
और इसीलिए बिल्कुल ये लोग जो बना रखा है उन्होंने उत्तर प्रदेश को, इसे बिहार में बिल्कुल बनने नहीं देना है। बदलेंगे हम लोग इसको और जरूर जीत होगी महागठबंधन का। लालटेन निशान है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने प्रत्याशी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं वो पूरे बिहार के, और इसीलिए बिल्कुल आप लोग भारी मतों से वोट दे करके विजयी बनाएंगे और पूरा बिहार महागठबंधन को जरूर विजयी बनाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।